वेलकम और वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल कुक विद प्रियमलता। और पिछले कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं डाल रहे थे, लेकिन आज फाइनली हम वीडियो डाल रहे हैं। एंड आज हम शेयर करने जा रहे हैं मसूर दाल फेस पैक, मतलब ये फेस स्क्रब है, मसूर दाल का फेस स्क्रब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करेंगे हम इंग्रेडिएंट्स देखने से। तो हम सबसे पहले लेंगे मसूर दाल, जो कि हम बना रहे हैं ना, तो मसूर दाल। और ये हमने घर पे पीस के लिया है। आप चाहो तो जो है मार्केट वाला भी ले सकते हो। फिर हम लेंगे मुल्तानी मिट्टी, जिसे हम फुलर्स भी कहते हैं। और हम लेंगे फिर ऑरेंज पील पाउडर, यानी कि संतरे के छिलके का पाउडर। ये घर का बना हुआ है, मार्केट में भी आसानी से अवेलेबल है, या फिर ऑनलाइन जो भी चीज़ें आपको दिख रही है ये वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। फिर हम लेंगे फ्लैक्सीड पाउडर, ये भी घर का बना हुआ है, रेडीमेड भी मिलता है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है आपको रेडीमेड लेना है या घर का बना हुआ लेना है। इसके अलावा पानी भी चाहिए होगा, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया नहीं है, लेकिन हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बोल में डालेंगे, ये है हमारा मेजरमेंट से हम कर तो रहे हैं, मगर आपकी मर्ज़ी, आपको करना है करो, नहीं करना ना करो। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 1/4 टीस्पून के करीब फ्लैक्स सीड का पाउडर, जो कि सबसे कम लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा में भी बहुत अच्छा काम है, ठीक है। और फिर हम लेंगे 1/2 टीस्पून, ये देख लीजिए आप, 1/2 टीस्पून आपको क्लियरली दिख रहा है, मुल्तानी मिट्टी यानी फुलर्स अर्थ, ठीक है। ये अभी आपको आसानी से राशन की दुकान में ऑनलाइन मिल जाएगा, आपकी मर्ज़ी है। एंड फिर हम लेंगे मसूर दाल का पाउडर, जो कि घर का बना हुआ है, मगर रेडीमेड भी मिलता है। बस घर का बना हुआ और रेडीमेड में यही फ़र्क है कि रेडीमेड में बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट पाउडर होता है, लेकिन ये घर का बना हुआ जो होता है वो थोड़ा सा ना दरदरा होता है। फिर हम लेंगे ऑरेंज पील पाउडर, संतरे के छिलके का पाउडर, जो कि मैंने गिरा दिया, इसको भी हम जो है ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून ही लेंगे। तो जो है आप इवन आउट करके लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऊपर से पूरा भर के पहाड़गंज बना के लेंगे तो वो उसकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट 1 टीस्पून हो जाएगी, तो उस बात का आप ध्यान रखें। और ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसका पानी डाल के अच्छा सा पेस्ट बना देंगे। अब मैं आपको बताऊंगी इसके बेनिफिट्स और इसको लगाना कैसे है, कितना टाइम लगाना है, कौन कौन से स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये हर एक स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, ऑयली, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव, ड्राई, कैसा भी हो आपकी स्किन टाइप के लिए ये परफेक्ट रहेगा, ये हर एक स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ कि इसको आपको हफ्ते में 1 से 2 बार ही यूज़ करना है, क्योंकि ये स्क्रब है, स्क्रब को हफ्ते में हर रोज़ नहीं यूज़ करते, आप 1 से 2 बार यूज़ करो, वो आपके लिए इनफ रहेगा। और नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ सबके बेनिफिट्स। तो इस फेस पैक लगाने से, मतलब फेस स्क्रब को लगाने से आपकी स्किन ब्राइटन अप होगी, आपकी स्किन क्लियर होगी, यूथफुल होगी, फेयर होगी। और आपकी स्किन में अगर कहीं पे कालापन हो गया, टैनिंग हो गया है, जो कि हो ही जाता है ना, तो वो भी क्लियर होगा। सो या दीज आर द बेनिफिट्स, काफ़ी सिंपल से बेनिफिट्स है। इसको लगाने के लिए आपको इसे अपने फेस पे लगाना है, 1 से 2 मिनट हार्डली आपको मसाजिंग करनी है, और उसके बाद आपको इसको हल्के हल्के रब करके रिमूव करना है, ठीक है। तो हल्का हल्का रब करके रिमूव करिएगा, वरना आपकी स्किन रेड हो जाएगी। और करने से पहले आपको पैच टेस्ट ज़रूर करना है, ये तो मेरे को पक्का से पता है कि हर एक स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, लेकिन फिर भी पैच टेस्ट करना ज़रूरी है। स्पेशली सेंसिटिव स्किन अगर आपकी है तो आपको पैच टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने कान के पीछे या गर्दन के नीचे अप्लाई करें और थोड़ी देर के लिए उसमें रहने दें। अगर उसमें जलन या फिर कुछ अजीब सी होता है तो आपको सूट नहीं कर रहा है। अगर कुछ भी नहीं होता है, यानी कि आपको सूट कर रहा है, आपकी स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।